पानीपत में लगातार चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और ज्यादातर सुने मकान को निशाना बना रहे हैं। एक मामला चोरी का दर्ज होता है, पुलिस चोरों की तलाश करती है, लेकिन इसी बीच वो दूसरी जगह पर चोरी की वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगती। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत के बबैल रोड शिवनगर की, जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा घर बिखरा हुआ है, क्योंकि परिवार का कोई भी सदस्य घर पर मौजूद नहीं था। तो ऐसे में चोरों को काफी समय मिला, उन्होंने घर का कोना कोना छाना और हर एक जगह पर तलाश की। जहां पर जो भी उन्हें मिला वो उसे चोरी कर फरार हो गए। 1 लाख से ऊपर की जो नगद राशि है वो उसे चोरी कर फरार हो गए हैं। एक बार सुनिए परिवार वालों ने क्या कुछ बताया। ये बबैल रोड शिवनगर का है जी। ये रात को मेरे भाई के छोटा भाई है मेरा, वो मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तो रात वो थाने जी यहाँ पे कथा में गया हुआ था, कल आज संक्रांत है ना, तो कथा कराते हैं हम गाँव में, वो वहाँ पे गया हुआ था। और रात को यहाँ से ताला तोड़ के लोग सामान ले गए था, चोर ले गए। हाँ जी। तो आप कहाँ रहते हैं? हम भी मनमोहन नगर में रहते हैं, छोटे राम चौक पे। वहाँ तो आपको कैसे पता? अभी हम आए थे यहाँ पे, इसलिए हमें पता लगा बाहर का ताला टूटा हुआ था, ताला भी नहीं मिला। पड़ोस वालों ने आपको बताया? नहीं, किसी ने नहीं बताया जी। और क्या क्या सामान? 20,000 मेरे छोटे भाई के थे और 50,000 मेरी माता जी के थे, जो उन्होंने इकट्ठे कर रखे थे। और जी करीब करीब 1.25 लाख रुपए थे जी, वो छोटे भाई के थे। बाकी बस सोने का सामान, कुंडल ले गए जी, पजेब ले गए और गले का भी बता रहे जी। तो किसी भी शक वगैरह नहीं? शक तो सर किसी पे नहीं है जी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरा घर बिखरा हुआ है, बेड हो या अलमारी हो सभी जगहों को तलाशा गया है। अलमारी के जो लोकर होते हैं वो टूटे पड़े हैं, बेड में से सारा सामान निकालकर उसे खंगाला गया है, मेन गेट का ताला तोड़ा गया है जिसके जरिए वो अंदर घुसे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कोने कोने को खंगाला गया है चोरों द्वारा। आराम से तसल्ली से उन्होंने यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पड़ोसी सोते रहे लेकिन उन्हें भी भनक तक नहीं लगी। आपको बता दें कि पूरा परिवार सत्संग में गया हुआ था और साथ ही कॉलोनी में उसका बड़ा भाई भी रहता है। वो रात को किसी काम से यहाँ पर आए थे तो उन्होंने देखा कि घर का मेन दरवाजे का ताला टूटा पड़ा है। घर के अंदर आकर देखा तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, जिसके बाद उन्हें इस सारी घटना के बारे में पता लगा। इसके बाद तुरंत डायल 112 पर फोन किया गया। डायल 112 को सूचना मिलते ही वो भी मौके पर पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर डायल 112 की टीम भी पहुंची है। फिलहाल इस सारे मामले में पुलिस द्वारा मामला दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। एक बार महिला के भी सुनिए कि कैसे उन्हें पता लगा कि उनके घर में चोरी हो गई है। अब आज हम आए तो जैसे हम उधर रहे, दूसरे प्लाट पे छोटा भाई इधर रहे, आए इस तो छोटा यहाँ रहे, मेरे तो छोटा, तो वे आए जैसे अब मम्मी के वास्ते, मम्मी इधर सोनी थी आज, तो मम्मी के वास्ते कंबल निकालने ले आए, जो इस तो देखा गया मैन गेट खुला पड़ा हमारा, फिर अंदर आए, अंदर भी खुला पड़ा, सारा सामान बिखरा पड़ा, जो उसके थे कान के बारी बारी पजेब थी, एक बस 1.5 लाख का गैस था, वो सब लेकर चले गए। तो आपको पता नहीं लगा ये कब हुआ? नहीं, हमें तो बस जब हम आए ना अब तो अब पता लगा, हमें तो रात रुत को आए कोई को। तो कुछ अभी तो पता नहीं लगा क्या? नहीं अभी तक तो कुछ भाई नहीं। वो यूपी में जा रहा, वो यूपी में जा रहा, हाँ उसको फोन किया है, वो आने लग रहा है। तो इस तरह से चोर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। सूने मकान को ज्यादातर चोर निशाना बना रहे हैं, क्योंकि चोरी के दौरान घर पर कोई मौजूद नहीं होता, जिसके बाद चोर आराम से तसल्ली से और काफी वक्त लगाकर चोरी कर पाते हैं और सारा सामान फिलहाल जो लेकर फरार हो गए हैं। परिवार वालों ने बताया कि कैश और सोने के जेवर चोर अपने साथ लेकर फरार हो गया। फिलहाल इस सारे मामले में पुलिस द्वारा मामला दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।